तो इस वीडियो में मैं उसी को आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूं तो फ्रेंड्स बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म कब हुआ था इसमें 540 570 एडी 580 एडी 545 एडी तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 570 एडी आपको पता है ये कब और पैरूल सलम का जन्म जो हुआ था यानी पैदाइश जो हुई थी वो उनकी बारह ये इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आपने इस्लामिक कैलेंडर है तो आपको पता होगा और सेवन फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी ए डी में हुई थी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेट मोहम्मद मदीना प्रोफेट मोहम्मद मदीना कब गए तो प्रॉफिट मोहम्मद वेंट टू मदीना इन 1598 uh, सॉरी 598 602 610 622 तो आपको पता है कि जब पैगंबर सुलेमान को नबूत मिली थी 1610 में उसके बाद वो मक्के में बारह साल रहे थे नबूत के बाद तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितना होगा 6622 में वो मक्के से मदीना हिजरत किए थे हिजरत का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाना तो ये हुआ था अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफिट मोहम्मद वॉज डाइड इन प्रोफिट मोहम्मद वसल्लम का डेथ कब हुआ था तो आपको पता है कि वो सिक्सटी थ्री ईयर रहे इस दुनिया में सिक्सटी थ्री और फाइव हंड्रेड सेवेंटी में ऐड कर दें तो आ जाएगा सिक्स हंड्रेड थर्टी थ्री इस तरह से कैलकुलेशन करके आप अपने माइंड में अगर सेट करके रखोगे तो वो बन जाएगा तो कहीं कहीं जो है सिक्स हंड्रेड थर्टी टू दे रख दे देता है और कहीं कहीं सिक्स हंड्रेड थर्टी थ्री अगर सिक्स हंड्रेड थर्टी थ्री है ऑप्शन में तो आप थर्टी थ्री पे ही क्लिक करिए चूज़ करना है आपको अगर नहीं है तो सिक्स हंड्रेड थर्टी टू को आपको चूज करना है तो ये हो जाएगा थ्री में सिक्स हंड्रेड थर्टी थ्री यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्स हंड्रेड थर्टी टू ए डी में इनका डेथ हो गया था आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मोहम्मद गजनवी महमूद गजनवी होगा ये मोहम्मद गलती से लिखा गया है मह, महमूद गजनवी इनवेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन महमूद गजनवी इंडिया पे कब सत्रह बार अटैक किया था इनवेड करके इंडिया को लूट के ले गया और आपको पता है ये जब फर्स्ट टाइम अटैक किया था इंडिया पे तो वन, वन था सॉरी 1001 एडी चल रहा था तो 1001 एडी से और ये इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कि, किस ईयर के बीच में ये अटैक किया इंडिया पे सेवेंटीन टाइम्स तो ऑप्शन है नाइन नाइन हंड्रेड से नाइन हंड्रेड फिफ्टी ए नाइन हंड्रेड फिफ्टी से वन थाउजेंड ए से वन थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स डी है और वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ए से वन थाउजेंड फोर्टी सिक्स एडी तो इसमें अब आपको मैंने एक कंक्लूजन दे दिया मैंने एक आपको हिंट दे दिया कि फर्स्ट बार अटैक हुआ था वन थाउजेंड वन से तो आप खुद ही माइंड मेकअप कर सकते हो कि हाँ ये क्या इसका आंसर होगा बताओ फर्स्ट बार होगा तो जब इसमें तो फर्स्ट बार अटैक का ही नहीं रहा है तो आ रहा है तो ये तो आएगा ही नहीं और इधर भी है तो ये पहले ही खत्म हो जा रहा है तो ऑप्शन सीधा ये ऑप्शन सी में लगता है यानी कि वन थाउजेंड ट्वेंटीड 1 से 1026 एडी के बीच में ये इंडिया पे अटैक किया 17 टाइम्स और इनका डेथ यही चार साल के बाद मतलब जब इंडिया पे अटैक लास्ट अटैक हुआ उसके बाद वो 1030 में डेथ हो जाता है मोहम्मद गजनवी का महमूद गजनवी ओके और ये क्या महमूद गजनवी इंडिया से सॉरी 10, oh, 1026 में चले जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन्हीं से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन भी महमूद गजनवी प्लैंडर्ड सोमनाथ टेंपल इन कठियावार इन कठियावार में सोमनाथ टेंपल है जो कि गुजरात में है कठियावार तो आ, इस इस पे अटैक कब किया था इसको कब लूट कर ले गए थे सवाल ये है तो इसका ऑप्शन दे रखा है 1020 25 30 29 तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1025 इसमें गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है उस पे मूर्तियों को चुरा के लूट के ले गए थे वन मोहम्मद गजनवी चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द फर्स्ट मुस्लिम एक्सपेडिशन ऑन द ऑन इंडिया took place in सबसे पहले इंडिया में जो मुस्लिम आए थे वो कब आए थे किस ईयर में आए थे तो 7 सेवन, 716 है 18 है 12 है और 720 है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले आए थे मोहम्मद बिन कासिम आए थे पता है ना आपको अगर इसके बारे में पता होगा तो उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में इंडिया में आए थे और ये लोग कौन थे तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो अरब इन्वेडर थे अरब से आए थे और उन्होंने हज्जाज हज्जाज के द्वारा भेजा गया था अरब से मोहम्मद बिन कासिम को यहां के तो इसमें एक्सपीडिशन में आपने लगा दिया सेवन हंड्रेड सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द किंग एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए थे तो उस टाइम यहाँ के राजा कौन थे तो आपको पता होगा आपने अगर ये कहानी पढ़ा होगा तो एक राजा हुआ करते थे उस टाइम पे इंडिया में अलग अलग, अलग रीजन्स के है ना किंग हुआ करते थे तो उस टाइम सिंध के जो राजा थे कौन थे तो इसमें ऑप्शन है दाहिर हाला कृष्णा आनंदपाल तो इसमें हो जाएगा दाहिर दाहिर जो किंग थे इलाके में भेज दिया गया था और भी कुछ कहानी है ऐसा और राजा को मार दिया गया था तो ये सब है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हु द फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया इंडिया में फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर किसने इस्टेब्लिश्ड किया तो इसमें एक ऑप्शन है हिजाज मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गौड तो फर्स्ट इसमें आपको याद होगा कि इंडिया में सबसे पहले अगर मुस्लिम आए तो वो मोहम्मद बिन कासिम लेकिन वो यहाँ रहने नहीं आए थे तो ये यह यहाँ कोई किंगडम इस्टेब्लिश नहीं करते लेकिन आपको याद होगा जो गुलाम वंश आया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे तो ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स में आया था लेकिन उससे जस्ट चार साल पहले यानी कि टूवेल्व हंड्रेड टू में मोहम्मद गौड़ आए थे

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हु वाज द लास्ट हिंदू रूल्ड नॉर्थ इंडिया इन नॉर्थ इंडिया में जो रूल कर रहे थे उसमें हिंदू किंग जो में से लास्ट वाले कौन से थे सबसे लास्ट में जो किंग रूल कर रहे थे इंडिया में कौन से तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो नॉर्थ में जो रूल था वो पहले था किस वंश का था जिसमें रूल कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह है ना मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे वो कौन थे हर्षवर्धन तो इसमें हो जाएगा आपका सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन के अराउंड फोर्टी सेवन ही ना न, न, या जहाँ तक मुझे याद है सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन के अराउंड ये हुआ और इनका हर्षवर्धन का टाइम पीरियड खत्म होता है तो लास्ट किंग थे ये नॉर्थ के तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी कुल सिंह सेकेंड वगैरह नहीं होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन ये लास्ट रूलर रूलर थे नॉर्थ इंडिया के उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसी टाइप की वीडियोस के लिए करने फिर के लिए हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें जिससे सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाए तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स